और धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोरंगा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट योजना अंतर्गत बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लागत 42,27,313 रुपए है। जहां बिना जेई का काम चल रहा है तो कार्य लगभग परिपूर्ण होने जा रही है, लेकिन बाउंड्री वॉल की दीवार में दरार पड़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग गलत कार्य का विरोध करने जाते हैं तो संवेदक के द्वारा हमें धमकी दी जा रही है कि कोई कार्य को रोकने का प्रयास करेगा तो उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। अब ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो स्कूल में ज्यादा बालू दे रहा है और फिर सीमेंट कम दे रहा है, उसमें लेके फिर समस्या है। बाउंड्री वॉल में मैंने काफी अनियमितता है। हाँ। तो आप लोग ग्रामीण है, शिकायत किए थे कहीं? नहीं किए। तो क्या मैंने कब से काम हो रहा था स्कूल में? स्कूल से लगभग 6 महीना से। हाँ। इसका शिकायत मुखिया को आप नहीं किए? जनप्रतिनिधि है? नहीं किए। मुखिया का क्या नाम है? धनंजय कुमार गोप। स्कूल का क्या नाम है? उत्कर्म मध्य विद्यालय मोरंगा। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार माथुर। काम तो बड़ी उन्मुखता से हो रहा है, अभी काम चल ही रहा है, काम चल ही रहा है, फिर भी दीवार में दरार आ रहा है। काफी घटिया सामग्री का इस्तेमाल, सामग्री है, सीमेंट बहुत ही कम है और सीमेंट का जो मतलब क्वालिटी है वो भी बहुत खराब है, इसलिए जो अभी काम चल रहा है, काम चल ही रहा है, वो दरार आ गया है। इसकी शिकायत कहीं नहीं किए थे ठेकेदार वगैरह किसी बोलने थे? शिकायत तो नहीं किए। नाम बताइए। सुमन कुमार माथुर। कौन सा स्कूल है? स्कूल का क्या नाम है? उत्कर्म विद्यालय मध्य विद्यालय मोरंगा। उत्कर्म मध्य विद्यालय मोरंगा।